मैरार तहसील क्षेत्र के ग्राम उर्धा में दबंगों के द्वारा शासकीय भूमि आम रास्ते पर कब्जा करने का हैरान कर देने वाला मामला सामने आ रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि हम ग्राम बुद्धा की नवीन बसाहट कॉलोनी में निवास करते हैं। कॉलोनी के ऊपर खाली पड़ी कॉलोनी की जगह पर गांव के कुछ दबंग लोगों के द्वारा अवैध कब्जा कर कोठरी रखी जा रही है और जमीन जोत कर खेत तैयार कर रहे हैं। इसी कारण हम ग्रामवासी कॉलोनी वासियों के जानवरों के निकलने और चढ़ने जाने के सभी रास्ते बंद हो गए हैं। ग्रामवासियों के पास डूब क्षेत्र के कारण एक बीघा की भी जमीन नहीं बची। हम अपने परिवारों का पालन पोषण जानवरों का पालन कर रहे हैं और बहुत मजबूरी में अपना जीवन जी रहे हैं। अतिक्रमण करने के लिए बसाहट से भी हरे भरे वृक्षों को काटा जा रहा है। जानकारी के अनुसार गजेंद्र धाकड़ ने बताया कि जब हम आवेदन देने तहसील आए सुबह से खड़े हुए हैं, फिर भी बैराड़ तहसीलदार मैडम प्रतिज्ञा डेगोला ने ज्ञापन लेने से इनकार कर दिया। इससे साफ जाहिर होता है कि यह अवैध अतिक्रमण प्रशासन की मिलीभगत से किया जा रहा है। हमारी समस्या ये है कि हम बुर्दा निवासी नवीन बसाहट जो जगह है उसमें हमारी कॉलोनी काटी गई है, उसमें रोड डले हुए हैं, हमारी मवेशी निकलती है, उसमें जगह पड़ी थी बसाहट की आरक्षित, उसको जोता जा रहा है, उसमें वृक्ष खड़े हैं हरे, उनको काटा गया और उसे कब्जेधारियों ने कब्जे में कर रखा है और हमारी निकलने की मवेशी की कोई रास्ता नहीं है और हम रास्ता या मवेशी को खड़े होने के लिए जगह चाहते हैं वहाँ पर, क्यों बरसात होती है तो मवेशी घर में ही कड़ी तोड़ी रहेगी। अभी खाली जगह पड़ी है, नहीं बन रहे प्लॉट मलॉट मकान, तो हमारे मवेशी वहाँ पर कड़ी रहेगी।